जय भीम जय मूल निवासी दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म की पहेलियों की रिडल नंबर 4, जिसका टाइटल है व्हाई सडनली द ब्राह्मिन्स डिक्लेयर द वेदास टू बी इनफॉलिबल एंड नॉट टू बी क्वेश्चन। मतलब ब्राह्मणों ने अचानक वेदों को सुप्रीम अथॉरिटी क्यों दे दी, इतनी जबरदस्त सोल अथॉरिटी क्यों दे दी कि उनको अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते और वो एक तरह सुप्रीम अथॉरिटी बन गई। तो ये अथॉरिटी ब्राह्मणों ने वेदास को क्यों दे दी, क्योंकि अतीत के अंदर एक ऐसा टाइम था जब वेदों को सुप्रीम अथॉरिटी नहीं मिली हुई थी और उनको क्वेश्चन किया जा सकता था और वो एक तरह से सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी, वो नॉर्मल एक लीगल लॉज थे, इसके अलावा और कुछ नहीं थे। लेकिन बाद में ब्राह्मणों ने इनको इनफॉलिबल अथॉरिटी दे दी, तो ऐसा क्यों किया ब्राह्मणों ने, यह रिडल है। तो ये रिडल कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है कि अगर किसी भी हिंदू या किसी ब्राह्मण से अपन पूछेंगे कि वेदों की क्या अथॉरिटी है, तो वो यही बोलेंगे कि वेदों की हिंदू धर्म में बिल्कुल सुप्रीम अथॉरिटी है और उनको अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट वेदों के बेसिस पे किया गया है, वेदों को अगर अपन कोट करते हैं और उसके बेसिस पे कोई अगर अपन आर्ग्यूमेंट देते हैं तो फाइनल है, कंक्लूसिव है, दैट हैज नॉट टू बी क्वेश्चन, उसको अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन अब बात लॉजिक ये है कि ये जो थ्योरी है कि वेदास इनफॉलिबल है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस मतलब ऑन व्हाट दिस थ्योरी रेस्ट, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे जो ब्राह्मण है वो लॉजिक ये देते हैं कि वेदाज आर अपरिष्य, वेदाज आर अपरिष्य का मतलब है यह है कि जो वेदाज है वो पुरुष के द्वारा निर्माणित नहीं, यानी पुरुष के यानी मैन यानी मानव द्वारा निर्माणित आदमी के द्वारा वेद नहीं बनाए गए हैं, और क्योंकि जो वेद है मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, इस कारण से उनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर तो फिर भी फॉल्ट्स गलतियां कमियां एरर्स हो सकती है लेकिन वेदों के अंदर नहीं है, क्योंकि वेद मनुष्य द्वारा निर्मित ही नहीं है। इसके पीछे ये लॉजिक ब्राह्मण देते हैं। तो बाबा साहब अब इस चीज को वो काटते हुए बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे कोट्स करते हैं अथॉरिटीज को कि अतीत में एक ऐसा टाइम था जब वेदों की सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी और वेदों को एक जनरल लॉ और जनरल रूल बुक माना जाता था, लेकिन उनकी एक सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी। इसके लिए बहुत सारे सूत्रास को, फॉर एग्जांपल धर्मासूत्रास, वशिष्ठ धर्मासूत्रा, और भी जो बहुत सारे सूत्रास हैं, अपस्त धर्मासूत्रा है ना, और भी जो सूत्रास हैं उनको कोट करते हैं और उनको कोट करके ये बताते हैं कि भाई एक ऐसा टाइम था जब वेदों की सोल अथॉरिटी नहीं थी और वेदों को, वेदों से ज़्यादा अथॉरिटी तो इस बात की थी कि अगर जो काउंसिल है, जो कि इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट पीपल की जो काउंसिल है, वो लोग अगर बैठ के एक डिसीजन लेते हैं तो उसकी ज़्यादा अथॉरिटी हुआ करती थी बजाय की वेदों की, और वेदों को तो बस एक रूल बुक के रूप में लिया जाता था जो कि इलेक्टोरल क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, यानी कोई चुनाव अगर है असेंबली के लिए तो उसमें जो चुनाव इलेक्टोरल क्वालिफिकेशन, चुनाव के लिए जो क्वालिफिकेशन है, एक तरह से उस किताब के रूप में लिया जाता था। और ये टाइम जब वेदास को सुप्रीम अथॉरिटी नहीं माना जाता था, ये टाइम था धर्मसूत्रास ऑफ वशिष्ठ एंड बोधयाना वाला टाइम था, दैट वाज द टाइम रिप्रेजेंटेड बाय द धर्मा सूत्रास ऑफ वशिष्ठ एंड बोधयाना व्हेन द वेदास वर नॉट कंसीडर्ड एट द सोल इनफॉलिबल अथॉरिटीज। मतलब वेदास सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थे धर्म सूत्रास ऑफ वशिष्ठ एंड बोधयाना के टाइम पर, यहाँ तक कि जो अपस्तंभ थे वो तो वेदों को कुछ मानते ही नहीं थे। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हुई कि अतीत के अंदर एक ऐसा टाइम था जो कि रिप्रेजेंट होता है धर्म सूत्र जो वशिष्ठ एंड बोधयाना, कि उस वक्त वेदों की कोई अथॉरिटी नहीं थी, अपस्तंभ के टाइम पर वेदों की कोई अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन ये जो अथॉरिटी इनको वेदों को मिली वो गौतमा के टाइम पे मिली, उस वक्त गौतमा के टाइम पर इनको अथॉरिटी मिली और इनको इनफॉलिबल माना जाने लगा। तो इस तरह से इस रिडल का पूरा लॉजिक और जो कारण है एक तरह से वो ये है कि भाई एक ऐसा टाइम था अतीत के अंदर जब वेदों को सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी, मतलब उनको अपन क्वेश्चन कर सकते थे वेदों को, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने वेदों को बिल्कुल एक सुप्रीम अथॉरिटी बना दिया कि दैट हैज नॉट टू बी क्वेश्चन, ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, यही ये रिडल नंबर 4 है। इसी का जवाब बाबा साहब जानना चाहते थे, यही रिडल नंबर 4, पहली नंबर 4 है रिडल्स इन हिंदुइज्म की, जिसका जवाब बाबा साहब चाहते थे जिनको, लेकिन उनको इसका जवाब मिला नहीं। जय भीम जय मूल निवासी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन नजर आता है उसे जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें उस वीडियो को सबसे पहले। जय भीम जय मूल निवासी।